नशे के खिलाफ हमीरपुर पुलिस ने मुहिम छेड़ दी है और नशे को जड़ से खत्म करने के लिए नशा निवारण समिति का गठन किया गया है। जानकारी देते हुए सदर एसएचओ संजीव गौतम ने बताया कि नशा निवारण समिति के माध्यम से नशे के खिलाफ जागरूक अभियान शुरू किया जा रहा है और इस अभियान में जुड़ने के लिए पुलिस का सहयोग करने के लिए लोगों की सहभागिता बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस अभियान से जुड़ने के लिए सदस्य बनने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए ताकि समाज में नशे का व्यापार कर रहे व्यापारियों पर नकेल कसी जा सके। गौतम ने कहा कि इसका मूल उद्देश्य समाज की सहभागिता सुनिश्चित करना है और समिति के माध्यम से आम जनता को नशे के प्रभाव से जागरूक करवाना है। उन्होंने शहरवासियों से भी अपील की है कि नशे की मुहिम में पुलिस का साथ देने के लिए जल्द पुलिस थाना में संपर्क करें। उन्होंने बताया कि नशा निवारण समिति का व्हाट्सएप ग्रुप भी तैयार किया जा रहा है जिसमें इसके सदस्य गुपचुप तरीके से असामाजिक सूचना का प्रदान कर सकें। इस अवसर पर पब्लिक पुलिस एसोसिएशन के सदस्य भी मौजूद रहे और पीपीए के माध्यम से ज्यादा लोगों को नशा निवारण समिति में जोड़ने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम सब को विदित है कि नशा जो है एक सामाजिक कुरीति है, एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में ये सामने आ रहा है। तो पंजाब इससे पहले काफी इसके चपेट में रहा है, अब धीरे धीरे हिमाचल भी इससे अछूता नहीं रहा है। लगभग 2 लाख मौतें नशे के कारण पूरे भारतवर्ष में हर वर्ष हो रही हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम के अनुरूप हिमाचल प्रदेश पुलिस ने थाना स्तर पर नशा निवारण समिति गठित करने का फैसला लिया है। इसी की अनुपालना में थाना सदर हमीरपुर में नशा निवारण समिति का गठन माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय की अध्यक्षता में किया गया है, जिसके मुख्य संयोजक के रूप में मैं कार्य कर रहा हूं। जो भी थाना के प्रभारी हैं वो मुख्य संयोजक के रूप में कार्य कर रहे हैं तथा थाना का एक वरिष्ठ एनजीओ ग्रेड 1 इसका सचिव है। इसमें ऐसे सभी लोग जो नशे के खिलाफ अपना सामाजिक योगदान देना चाहते हैं तथा जिनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, जो आपराधिक पृष्ठभूमि के नहीं हैं तथा नशे के खिलाफ इस सामाजिक मुहिम में पुलिस का सहयोग करना चाहते हैं, चाहे वो सूचनाओं के आदान प्रदान के रूप में हो, चाहे किसी अवेयरनेस प्रोग्राम से रिलेटेड हो, या फिर कोई ऐसा प्रोग्राम वो सजेस्ट करें जिससे कि हम नशे के खिलाफ इस मुहिम को और अधिक प्रभावी बना सकें, वो सभी लोग इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। उनको नशा निवारण समिति का सदस्यता प्रदान की जाएगी तथा नशा निवारण समिति की समय समय पर बैठकों का आयोजन किया जाएगा, जिसके माध्यम से अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन, चाहे वो अवेयरनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो नशे के खिलाफ एक्शन प्लान बनाने का काम हो, या फिर कोई भी अन्य कार्य जो नशा निवारण समिति का मूल उद्देश्य है समाज की सहभागिता सुनिश्चित करना, क्योंकि एक ये सामाजिक बुराई है। मैं अपने क्षेत्रवासियों से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि ऐसे सभी लोग जो नशे के खिलाफ इस मुहिम में हमारा साथ देना चाहते हैं, मैं उन सब से आह्वान करता हूं कि वो नशा निवारण समिति की सदस्यता ग्रहण करें और नशे के खिलाफ इस मुहिम में हमारा साथ दें ताकि हम हमीरपुर को नशा मुक्त और प्रोग्रेसिव बनाने में सफल हो सके। नशा निवारण समिति की एक एक्शन प्लान का एक हिस्सा है कि जो नशा निवारण समिति होगी उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया जाएगा ताकि किसी भी मेंबर को कोई भी सूचना जो है वो त्वरित रूप से वो दी जा सके, उसके उसमें की जाने वाली गतिविधियों की जानकारी जल्दी से जल्दी दी जा सके। लेकिन क्योंकि जो सूचनाओं का आदान प्रदान है वो थोड़ा सा गुप्त रखा जाएगा, क्योंकि जो भी सूचना देने वाला होगा उसका नाम हम गुप्त रखेंगे, तो जो ये डिपेंड करता है सूचना देने वाले की इच्छा पर कि वो किस मोड से हमें सूचना देना चाहता है, क्या वो चाहता है कि वो खुलकर सामने आए या वो चाहता है कि वो उसका नाम गुप्त रखा जाए, जैसा भी जिस व्यक्ति का ध्येय हो, जिस व्यक्ति का जैसा भी हो, पर हम ज्यादातर ये चाहेंगे कि सूचना देने वाले का नाम हम गुप्त रखें।